ऊर्जा ज्ञान मान से चलो वो तो दे दोगे, उसका रिकॉर्ड का रखोगे कि इस तारीख का दवाई मिल गई है नहीं मिल गई है, वो उनका पेज अलग बना लेंगे ना, उनका पला हो गया। ये बात तो मैंने उस दिन भी समझाई, लेकिन सर जब तक मॉडरेट हो, अरे आप रुक जाओ, मुक्त भारत में था जो अपने पूरे हरियाणा के पूरे वर्ल्ड के बच्चे हैं उनका एचबी देखा जा रहा है, बच्चों में एनीमिया कितना एनीमिक बच्चे हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा। इसके अंदर तीन स्टेज, एक मॉडरेट, एक सीवियर है और जो नॉर्मल स्टेज है। जो सीवियर के हैं बच्चे वो कल्पना चावला भेज के उनका पूरा टेस्ट लिया जाएगा बॉडी का, और किस कारण उनका एचबी है वो देखा जाएगा, फिर उनका ट्रीटमेंट। और जो मॉडरेट बच्चे हैं उनकी टैबलेट चलेगी एक मंथ तक, तो उनका एचबी फिर दोबारा कराया जाएगा, अगर नॉर्मल आते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका भी कल्पना चावला की कमी है जो टाइम पे नहीं खाना खा पाते, कई बच्चे सवेरी नाश्ते में पराठे चाय ऐसी चीजें लेते हैं अपना नाश्ता करते हैं, तो ये कारण एनीमिक होने का सबसे ज्यादा। जो आजकल फूड करते हैं अपना जो चौमिन बर्गर बर्गर वगैरह, तो उससे बच्चों का एनीमिया तो होना नहीं है। सरकार की तरफ से मुहिम चलाई गई जीन टेस्ट करके, और इन बच्चों को कवर से जैसे जितने बच्चे एनीमिक लिख देंगे उन बच्चों का टाइम से ट्रीटमेंट करके और उनको कवर किया जाए, जो हमारा अनियमित अनीमिया मुक्त यानी के भारत करने के लिए जो बच्चे अनीमिक है उनको दोबारा उसी लेवल पे लाया जाए। आज 100 बच्चे यानी के पर टीम के जिम्मे है, चार टीम में है, काफी बच्चे पाए गए अब, क्योंकि 11-12 और 9.8 इतना कुछ बच्चों में आया है। ठीक है, बड़ों में भी होता है, क्योंकि सभी के लिए एक जैसी है, खान पान है सभी ऐसे सारे। हाँ, प्राइवेट स्कूलों तक जाएंगे, सभी बच्चों का किराए करेंगे फिलहाल तो। आशा वर्कर इंद्री से देखिए, अनीमिया मुक्त भारत के जो अभियान है हमारा, उसके मद्देनज़र आज इंद्री सब डिवीजन से ये करनाल जिले में पहल करी गई है, जिसके मद्देनज़र हमारी जो टीम्स है, जिसमें हमारे जो स्कूल का जो टीचर है, वो हमारी जो डॉक्टर्स की जो टीम है जिसमें लैब टेक्नीशियन है, वो जो हमारे जो सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सबका हम हीमोग्लोबिन प्रोफाइल ले रहे हैं, ताकि उनकी खून में जो हम कहते हैं कि खून की कमी हो, वो एक्चुअली में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उसका एक बार आकलन करेंगे सभी बच्चों का, और ये जो कार्रवाई है सभी सरकारी स्कूलों में होगी, इसके आकलन करने के बाद में हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने बच्चे हमारे माइल्ड से मॉडरेट वाली कैटेगरी में है और कितने बच्चे सीवियर कैटेगरी में, और माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए तो हम जो आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसके मद्देनज़र उन टैबलेट का वितरण मौके पर ही करा जा रहा है। इसके अलावा जो कुछ 1-2% बच्चे हैं जो कि सीवियर कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों के लिए हम स्पेशली सैटरडे को एक कैंप लगाएंगे सिविल हॉस्पिटल में, ताकि उनको कुछ एक एक्सपर्ट की देख रेख की आवश्यकता है,
तो उसके मद्देनजर हम वहाँ पे इनकी जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है वो भी उपलब्ध करवाएंगे, ताकि ये जो अनीमिया जो बीमारी है इसका हम एक बार इस बीमारी से निजात पाए। इसके लिए भारत सरकार ने वैसे मिड डे मील का कार्यक्रम चला रखे हैं। आज मैंने यहाँ पे बच्चों के साथ में वो जो भोजन है वो खुद चखा भी, साथ में एसडीएम साहब ने भी खाया, तो काफ़ी हाइजीनिक तरीके से इस चीज़ को बनाया जा रहा है। और कुपोषण के को देखते हुए हमारी तरफ से एक और स्कीम आने वाले टाइम में शुरू करी जाएगी, जो कि हम न्यूट्रिशन गार्डन्स बोलते हैं जिनको, जो हमारा जो ग्राउंड है स्कूली क्षेत्र में जिसका अच्छे से प्रयोग नहीं हो रहा होता, तो वहीं पर हम हरी सब्जियाँ उगाएंगे और वही सब्जियाँ हमारा जो मिड डे मील जो कार्यक्रम है उसमें वो परोसी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज टोटल जो कार्रवाई चल रही है वो 10 से अधिक स्कूलों में चल रही है, और ये पैरेलली अभी मैंने बोला स्कूलों में, और हम सारे जो इंद्री के जितने स्कूल्स हैं सारे सरकारी स्कूलों को कवर करें, साथ में सब डिवीजन इंद्री के बाद में पूरे जिले में ये कार्रवाई अमल में लेकर ये बिल्कुल आज ये फर्स्ट डे था कैंप का। इसके बाद में हमारे पास प्रिलिमिनरी डाटा भी आने लग जाएंगे, और उसके बाद में जो हमको इंटरवेंशन करनी है सरकारी साइड से करनी है या फिर हमको कोई टेक्निकल साइड से करनी, वो इंटरवेंशन करके इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी करेगी। और ये जो कैंप जो आज लगाया गया 3 महीने के उपरांत दोबारा से कैंप ये लगाया जाएगा, और उसमें देखा जाएगा कि भाई जो हमने जो इंटरवेंशन करी, चाहे उन बच्चों को दवाई दी, चाहे उनकी जो डाइटरी हैबिट थी उसमें हमने उसको चेंज करा, उसके बाद में उसके परिणाम क्या है, उस परिणाम को फिर मतलब नोट करा जाएगा, उसके बाद में भी कुछ हमारी तरफ से कुछ एक्शन बनता होगा तो एक्शन लिया जाएगा। इसमें बेसिकली जो सारा रोड रहता है वो डाइट का ही रहता है। इसमें आईसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से हम पेरेंट्स से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई हेल्दी डाइट का प्रमोशन करें, और जो जंक फूड को हम थोड़ा साइड लाइन करें अपनी डाइटरी प्रेफरेंसेस। थैंक यू। वो मैं अभी आपने बताया वो संज्ञान में लेके मैं एसडीएम साहब को बोलूँगा उसको रिजॉल्व कराने, ठीक है। हाँ जी, आज हमारे यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल इंद्री में एनीमिया से रिलेटेड एक प्रोग्राम शुरू किया, और उसका इनोग्रेशन हमारे डीसी सर अनीश यादव जी और एसडीएम सर डॉक्टर आनंद शर्मा जी, उन्होंने इनोग्रेशन किया, और 4 टीम हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ आई हुई हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों का पूरा डाटा पहले कलेक्ट हमने कर उन्हें दे दिया था, और फिर अब वो आज का टारगेट है कि चारों टीम लगभग 100 स्टूडेंट्स, एक टीम 100 स्टूडेंट्स को उनका टेस्ट करेंगे और बताएंगे, और उसमें से जिन बच्चों का जो HB कम है जिनका या ठीक है वो बता देंगे, तो फिर उसके बाद उनको बच्चों को टैबलेट्स दी जाएंगी, और वो टैबलेट्स भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि एक टैबलेट हम स्कूल में ही टीचर दे देंगे ताकि वो इंश्योर हो जाए कि बच्चे ने ले ली है, और उसके बाद एक टैबलेट हम उन्हें घर के लिए देंगे। 2 दिन का ये प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे बच्चे 700 से अबव हैं, 735 हैं, तो उसमें 400 बच्चे आज, अगर क्योंकि आज फर्स्ट डे था हो सकता है थोड़े कम रहे, आज का टारगेट है, और इसी तरह से कल भी यहाँ पे रहेगा, कल भी टीम आएंगी, और ये प्रोग्राम जो है बहुत ही सफल रहने वाला है। इससे बच्चों को, क्योंकि हमारे मैक्सिमम बच्चे एनीमिक होते हैं, तो ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है जिससे बच्चों को हेल्प रहेगी और उनकी हेल्थ में सुधार। सर पहले कोविड से पहले विफ की टैबलेट्स आती थी जो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलती थी, और हर क्लास टीचर उन्हें बच्चों के जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उतनी लेके वो बच्चों को देते थे हर माह, तो ये उससे भी शायद बेटर है कि यहीं पे आके टेस्ट किए गए। ऐसे टेस्ट नहीं होते थे पहले, बच्चों टेस्ट नहीं होते थे, वो फिजिकल ही सिर्फ उनको देखते थे, अब टेस्ट है ये ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, बहुत बच्चे हमारे एनीमिक होते हैं, हमें मतलब जब प्रेयर होती है तो क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी है तो हम प्रेयर में बहुत जल्दी सिर्फ राष्ट्रगान ही करवाते हैं गर्मी में, और उसमें भी एक आध बच्चा गिर जाता है, तो हमें भी ये रहता है कि बच्चे एनीमिक तो हैं हमारे, क्योंकि डाइट ठीक नहीं है बच्चों। देखिए जैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिड डे मील बनता है, वो हमारी बहुत कोशिश रहती है कि बढ़िया से बढ़िया, आज भी जैसे सर ने भी टेस्ट किया, डीसी सर ने भी, एसडीएम सर ने भी,
और आज खीर बनी थी और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह देख के वो बहुत खुश हुए। उन्होंने टेस्ट भी किया कि बहुत अच्छा और हाइजीनिक तरीके से बना हुआ। हम यहाँ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चे हमारे पास जिस जहाँ जिन घर से आते हैं वो पूरी उनकी नहीं कर पाते डाइट, तो इस वजह से बच्चे एनीमिक रहते हैं। तो उनको बताया जाता है और अब कुछ और भी जिस अगर कमी हो गई उन्हें बताया जाएगा। और जिन बच्चों का ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा हैं उनको वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। वहाँ एक दिन का कैंप होगा, वहाँ जाके उनकी प्रॉपर सारा उनकी टेस्टिंग होगी। फास्ट फूड का तो बिल्कुल कारण है जी, ये तो बिल्कुल आजकल होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगी जितना हम नेचर के नज़दीक रहेंगे, मैं खुद ऐसा मानती हूँ कि जितना नेचर के हम पुराने जो हमारी दादी नानी जो घरों में बनता था वो चीज़ खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। फास्ट फूड का मतलब बीमारी, पक्का बीमारी होनी है। थैंक यू। ये जैसा कि आप पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज विद्यालय में आने पर, और आप लोगों ने अभी जो प्रोग्राम कवर किया है श्रीमान उपायुक्त महोदय और एस डी मंत्री भी उसमें इनोग्रेशन करने आए थे। एनीमिया मुक्त के लिए जो अभियान चलाया गया है उसमें आज पहले हमारे ये राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री से शुरुआत की गई है। मैं समझता हूँ सरकार भी समय समय पर इस तरह की चीज़ें चलाती रहती है। हम भी बच्चों को बिना प्रोग्राम के भी विद्यालय में समय समय पर इन चीज़ों के ऊपर कुपोषण के बारे में और पोषण आहार के ऊपर जागरूक करते रहते हैं, परंतु समय के अनुसार समाज के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं और सरकार को भी उसके अकॉर्डिंगली निर्णय लेने पड़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य सबसे पहला बहुत ज़रूरी अंग है, और आप लोग यहाँ इंद्री से ही पत्रकार बंधु जानते हैं जो एरिया है यहाँ पे लोअर क्लास के मध्यम तबके के ज़्यादा बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स, मैं आज ये तो नहीं कहूँगा कि आर्थिक रूप से शायद उतने कमज़ोर नहीं रहे हैं जितने की जागरूकता की कमी है। हम अक्सर यहाँ देखते हैं, अभी मैडम ने भी जैसा कहा कि सुबह बच्चे बिना खाए कुछ भी घर से आ जाते हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे इस करनाल जिले में या इंद्री में कोई इतना कोई पेरेंट्स को ऐसा होगा, कोई उड़ीसा का ये नहीं है कि यहाँ बच्चों के अगर खाना ना हो, सिर्फ पेरेंट्स के और बच्चों की एक जागरूकता की कमी है। और दूसरा भी इसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है, बच्चों की एक एज ऐसी होती है वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और बच्चे यहाँ पे ज़्यादा लड़कियाँ हैं, लड़कियों का स्कूल है, वो सुबह बिना खाए पिए घर से आ जाते हैं। और क्या होता है कि पैसे ले आते हैं 10 रुपए 20 रुपए, उनका आपको पता है फास्ट फूड में ये जो पैकेजिंग में आता है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जो हानिकारक भी है वो एक बड़ी वजह रहती है। मैडम प्रिंसिपल ने जिक्र किया, हमारे टाइम में भी पुराने टाइम में भी होता था, उस टाइम आज जैसे आर्थिक हालात नहीं थे पर फिर भी खाने के ऊपर आहार के ऊपर ज़्यादा जोर रहता था। नहीं भी कुछ खाना बना के जाना आना या थोड़ी देर में रोटी आके खानी तो कहते थे कम से कम एक गिलास लस्सी का तो पी जाओ, एक बेला लस्सी का पी लिया। अब लस्सी एक ऐसा फूड न्यूट्रिशन है कि आप 2-4 घंटे बंदा खाना ना खाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के बच्चों में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि जो ये पौष्टिक आहार है जिसमें खासतौर पर दूध से रिलेटेड चीज़ें हैं, लस्सी है, दूध है, वो ये बच्चे नहीं लेते हैं। और पेरेंट्स भी कह देते हैं क्या करें, आजकल एक ट्रेंड सा ऐसा हो गया है कि बच्चों को फोर्स नहीं करते किसी चीज़ के लिए भी, चाहे उनका भला हो, कहते हैं मानता नहीं हमारा तो खाता नहीं, पैसे देना आसान समझते हैं 10-20 रुपए, और वो 10-20 रुपए का जो है गलत असर बहुत पड़ रहा है। आज आप देखोगे ये रिपोर्ट आएगी, आज जैसा कि SDM साहब ने सुबह पहली विजिट में ये बताया, वो कह रहे थे कि कई जगह 60% से ज़्यादा तो ये रिपोर्ट आने की संभावना रहती रहती है कि आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इसके खून की कमी के एनीमिया के शिकार रहते हैं, और ये गर्ल्स और भी ज़्यादा कई जगह 80% भी आ सकता है। तो मैं जहाँ तक उसका सबसे बड़ा कारण मानता हूँ अध्यापक समाजशास्त्र होने की वजह से कि आर्थिक कारण इसके पीछे इतने नहीं हैं जितने कि सामाजिक हैं। सामाजिक के तौर पर मैं ये कहूँगा कि जागरूकता की बहुत कमी है पेरेंट्स के अंदर, उनको ये नहीं पता है। मिड डे मील मिलता है, सर ने चेक भी किया, बहुत बढ़िया मिड डे मील हमारे स्कूल में नहीं, सभी जगह बढ़िया बनता है, पर एक चीज़ तो मानो ना, सुबह 9 बजे स्कूल लगेगा, 8 बजे वो बनेगा तो 12 बजे मिलेगा ना बच्चों को। अभी आप आए जिस टाइम सारा उस टाइम हम मिड डे मील हमारा चल रहा था, जो बच्चा सुबह कुछ नहीं खा के आया 10-12 साल का बच्चा है तो क्या 12 बजे तक कुछ भूखा रहेगा? तो वही बात है, प्रेयर में उनको चक्कर आते हैं, क्लास में उनको प्रॉब्लम होती है, गर्मी का मौसम है। तो इन चीज़ों के लिए मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी और आपके चैनलों के माध्यम से भी जनता से ये पुरजोर अपील करना चाहूँगा कि जो बच्चों को, जो एक हमारे
पुराने टाइम में बुजुर्ग कहते थे, जो पढ़ने वाला होता था उसको भी ज्यादा डाइट दी जाती थी, कहते ये बच्चा पढ़ता है इसका दिमाग खर्च होता है, इसको घी दो, इसको दूध दो, इसको एक्स्ट्रा चीजें दो, बादाम दो। तो आज सिर्फ ये कि चलो कोई बात नहीं 10 रुपए ले जाना खा लेना, इस ट्रेंड से हमें समाज को जागरूक करने की ज्यादा जरूरत है। वैसे भी कृमि मुक्त के लिए हम मेंडाजोल की गोलियां स्कूल में देते रहे, बिब्स की देते हैं समय समय पे, और हमारे यहाँ स्कूल के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा 2 स्किल के प्रोग्राम चल रहे हैं NSQF के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें एक PCA का है, पेशेंट केयर अटेंडेंट का कोर्स। उसमें हम देखते हैं कई बार बच्चे जाते हैं जब फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे जो अच्छे कुछ सोसाइटीज हैं, ट्रस्ट हैं, वो उनको टॉनिक वगैरह भी दे के देते हैं, हम उनको अवेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सी सोसाइटीज ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो डोनेट करते हैं, तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को जिस भी तरह से हो सके इस जो पौष्टिक आहार के देके उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है आज यहाँ से, इसके भी बेहतर परिणाम जरूर मिलेंगे, और अगर इसका आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, इस बात को पूरी एक मुहिम बना दें समाज के अंदर, ताकि इस चीज़ का फायदा मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद। चलो वो तो दे दोगे, उसका रिकॉर्ड का रखोगे कि इस तारीख का दवाई मिल गई है नहीं मिल गई है, वो उनका पेज अलग बना लेंगे ना। तुम कब बनाओगे यार, ये बात तुमने उस दिन भी समझाई, लेकिन सब जब तक मॉडरेट हो आप रुक जाओ। मुक्त भारत में था जो अपने पूरे हरियाणा के पूरे वर्ल्ड के बच्चे हैं उनका HB देखा जा रहा है, बच्चों में अनीमिया कितना अनीमिक बच्चे अपने, फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा। इसके अंदर 3 स्टेज, एक मॉडरेट, एक सीवियर है और जो नॉर्मल स्टेज है। जो सीवियर के हैं बच्चे वो कल्पना चावला भेज के उनका पूरा टेस्ट लिया जाएगा बॉडी का, और किस कारण उनका HB है वो देखा जाएगा, फिर उनका ट्रीटमेंट। और जो मॉडरेट बच्चे हैं उनकी टैबलेट पे लगे 1 मंथ तक, तो उनका HB फिर दोबारा कराया जाएगा, अगर नॉर्मल आते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका भी कल्पना चावला की कमी है जो टाइम पे नहीं खाना खा पाते, कई बच्चे देरी नाश्ते में पराठे चाय ऐसी चीजें लेते हैं अपना नाश्ता करते हैं, तो ये कारण अनिमिक होने का सबसे ज्यादा। जो आजकल फूड करते हैं अपना जो चौमिन बर्गर बर्गर वगैरह, तो उससे बच्चों का अनिमिया तो होना ही है। सरकार की तरफ से मुहिम चलाई गई भी इनका टेस्ट करके, और इन बच्चों को कवर से जैसे जितने बच्चे अनिमिक लिख देंगे उन बच्चों का टाइम से ट्रीटमेंट करके और उनको कवर किया जाए, जो हमारा अनीमिया मुक्त यानी के बात करने के लिए जो बच्चे अनीमिक है उनको दोबारा उसी लेवल पे लाया जाए। आज 100 बच्चे यानी के पर टीम के जिम्मे है, 4 टीम में आए, काफी बच्चे पाए गए अब, क्योंकि 11-12 और 9-8 इतना कुछ बच्चों में आया है। ठीक है, बड़ों में भी होगा क्योंकि सभी के लिए एक जैसे है, खान पान है सभी ऐसे सारे। हाँ, प्राइवेट स्कूलों तक जाएंगे,
सभी बच्चों का किराए करेंगे फिलहाल तो। आशा वर्कर इंद्री से देखिए, अनीमिया मुक्त भारत के जो अभियान है हमारा, उसके मद्देनजर आज इंद्री सब डिवीजन से ये करनाल जिले में पहल करी गई है, जिसके मद्देनजर हमारी जो टीम्स है, जिसमें हमारे जो स्कूल का जो टीचर है, वो हमारी जो डॉक्टर्स की जो टीम है जिसमें लैब टेक्नीशियन है, वो जो हमारे जो सरकारी जितने भी बच्चे हैं उन सबका हम हीमोग्लोबिन प्रोफाइल ले रहे हैं कि ताकि इनकी खून में जो हम कहते हैं कि खून की कमी हो, वो एक्चुअली में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उसका एक बार आकलन करेंगे सभी बच्चों का। और ये जो कार्रवाई है सभी सरकारी स्कूलों में होगी, इसके आकलन करने के बाद में हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने बच्चे हमारे माइल्ड से मॉडरेट वाली कैटेगरी में है और कितने बच्चे सीवियर कैटेगरी में। और माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए तो हम जो आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस है, उसके मद्देनज़र उन टैबलेट का वितरण मौके पर ही करा जा रहा है। इसके अलावा जो कुछ 1-2% बच्चे जो कि सीवियर कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों के लिए हम स्पेशली सैटरडे को एक कैंप लगाएंगे सिविल हॉस्पिटल में, ताकि उनको कुछ एक एक्सपर्ट की देखरेख की आवश्यकता है, तो उसके मद्देनज़र हम वहाँ पे इनकी जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है वो भी उपलब्ध करवाएंगे, ताकि ये जो अनीमिया जो बीमारी है इसका हम एक बार इस बीमारी से निजात पाए। इसके लिए भारत सरकार ने वैसे मिड डे मील का कार्यक्रम चला रखे हैं, आज मैंने यहाँ पे बच्चों के साथ में वो जो भोजन है वो खुद चखा भी, साथ में एसडीएम साहब ने भी खाया, तो काफ़ी हाइजीनिक तरीके से इस चीज़ को बनाया जा रहा है। और कुपोषण के को देखते हुए हमारी तरफ से एक और स्कीम आने वाले टाइम में शुरू करी जाएगी, जो कि हम न्यूट्रिशन गार्डन्स बोलते हैं, जिनको जो हमारा जो ग्राउंड है स्कूली क्षेत्र में जिसका अच्छे से प्रयोग नहीं हो रहा होता, तो वहीं पे हम हरी सब्जियां उगाएंगे और वही सब्जियां हमारा जो मिड डे मील जो कार्यक्रम है उसमें वो परोसी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज टोटल जो कार्रवाई चल रही है वो 10 से अधिक स्कूलों में चल रही है, और ये पैरेलली अभी मैंने बोला स्कूलों में, और हम सारे जो इंद्री के जितने स्कूल्स हैं सारे सरकारी स्कूलों को कवर करें, साथ में सब डिवीजन इंद्री के बाद में पूरे जिले में ये कार्रवाई अमल में लेकर। ये बिल्कुल आज ये फर्स्ट डे था कैंप का, इसके बाद में हमारे पास प्रिलिमिनरी डाटा भी आने लग जाएंगे, और उसके बाद में जो हमको इंटरवेंशन करनी है सरकारी साइड से करनी है या फिर हमको कोई टेक्निकल साइड से करनी है, वो इंटरवेंशन करके इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी करेगी। और ये जो कैंप जो आज लगाया गया 3 महीने के उपरांत दोबारा से कैंप ये लगाया जाएगा, और उसमें देखा जाएगा कि भाई जो हमने जो इंटरवेंशन करी, चाहे उन बच्चों को दवाई दी, चाहे उनकी जो डाइटरी हैबिट थी उसमें हमने उसको चेंज करा, उसके बाद में उसके परिणाम क्या है, उस परिणाम को फिर मतलब नोट करा जाएगा, उसके बाद में भी कुछ हमारी तरफ से कुछ एक्शन बनता होगा तो एक्शन लिया जाएगा। इसमें बेसिकली जो सारा रोल रहता है वो डाइट का ही रहता है, इसमें आईसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से पैम्पलेट के माध्यम से हम पेरेंट्स से भी ये अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई हेल्दी डाइट का प्रमोशन करें और जो जंक फूड को हम थोड़ा साइड लाइन करें अपनी डाइटरी प्रेफरेंसेस। थैंक यू। वो मैं अभी आपने बताया वो संज्ञान में लेके मैं एलजीएम साहब को बोलूँगा उसको रिजॉल्व कराने, ठीक है। हाँ जी, आज हमारे यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल इंद्री में एनीमिया से रिलेटेड एक प्रोग्राम शुरू किया, और उसका इनोग्रेशन हमारे डीसी सर अनीश यादव जी और एसडीएम सर डॉक्टर आनंद शर्मा जी, उन्होंने इनोग्रेशन किया, और 4 टीम हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ आई हुई हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों का पूरा डाटा पहले कलेक्ट हमने कर उन्हें दे दिया था, और फिर अब वो आज का टारगेट है कि चारों टीम लगभग 100 स्टूडेंट्स, एक टीम 100 स्टूडेंट्स को उनका टेस्ट करेंगे और बताएंगे, और उसमें से जिन बच्चों का जो HB कम है जिनका या ठीक है वो बता देंगे, तो फिर उसके बाद उनको बच्चों को टैबलेट्स दी जाएंगी, और वो टैबलेट्स भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि एक टैबलेट हम स्कूल में ही टीचर दे देंगे ताकि वो इंश्योर हो जाए कि बच्चे ने ले ली है, और उसके बाद एक टैबलेट हम उन्हें घर के लिए देंगे। 2 दिन का ये प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे बच्चे 700 से अबव हैं, 735 हैं, तो उसमें 400 बच्चे आज, अगर क्योंकि आज फर्स्ट डे था, हो सकता है थोड़े कम रहें,
आज का टारगेट है और इसी तरह से कल भी यहाँ पे रहेगा, कल भी टीम आएंगी और ये प्रोग्राम जो है बहुत ही सफल रहने वाला है। इससे बच्चों को, क्योंकि हमारे मैक्सिमम बच्चे एनीमिक होते हैं, तो ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है जिससे बच्चों को हेल्प रहेगी और उनकी हेल्थ में सुधार। सर पहले कोविड से पहले विफ की टैबलेट्स आती थी जो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलती थी और हर क्लास टीचर उन्हें बच्चों के जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उतनी लेके वो बच्चों को देते थे हर माह। तो ये उससे भी शायद बेटर है कि यहीं पे आके टेस्ट किए गए। ऐसे टेस्ट नहीं होते थे पहले, बच्चों टेस्ट नहीं होते थे, वो फिजिकल ही सिर्फ उनको देखते थे। अब टेस्ट है, ये ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, बहुत बच्चे हमारे एनीमिक होते हैं। हमें मतलब जब प्रेयर होती है तो क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी है तो हम प्रेयर में बहुत जल्दी सिर्फ राष्ट्रगान ही करवाते हैं गर्मी में, और उसमें भी एक आध बच्चा गिर जाता है। तो हमें भी ये रहता है कि बच्चे एनीमिक तो हैं हमारे, क्योंकि डाइट ठीक नहीं है बच्चे। देखिए जैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिड डे मील बनता है, वो हमारी बहुत कोशिश रहती है कि बढ़िया से बढ़िया। आज भी जैसे सर ने भी टेस्ट किया, डीसी सर ने भी, एसडीएम सर ने भी, और आज खीर बनी थी और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह देख के वो बहुत खुश हुए। उन्होंने टेस्ट भी किया कि बहुत अच्छा और हाइजीनिक तरीके से बना हुआ। हम यहाँ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चे हमारे पास जिन घर से आते हैं वो पूरी उनकी नहीं कर पाते डाइट, तो इस वजह से बच्चे एनीमिक रहते हैं। तो उनको बताया जाता है और अब कुछ और भी जिस अगर कमी होगी उनमें बताया जाएगा। और जिन बच्चों का ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा हैं उनको वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। वहाँ एक दिन का कैंप होगा, वहाँ जाके उनकी प्रॉपर सारा उनकी टेस्टिंग होगी। फास्ट फूड का तो बिल्कुल कारण है जी, ये तो बिल्कुल आजकल होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगी जितना हम नेचर के नज़दीक रहेंगे, मैं खुद ऐसा मानती हूँ कि जितना नेचर के, हम पुराने जो हमारी दादी नानी जो घरों में बनता था वो चीज़ खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। फास्ट फूड का मतलब बीमारी, पक्का बीमारी होनी है। थैंक यू। ये जैसा कि आप पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज विद्यालय में आने पर, और आप लोगों ने अभी जो प्रोग्राम कवर किया है, श्रीमान उपायुक्त महोदय और एसडीएम इंद्री भी उसमें इनॉग्रेशन करने आए थे। एनीमिया मुक्त के लिए जो अभियान चलाया गया है उसमें आज पहले हमारे ये राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री से शुरुआत की गई है। मैं समझता हूँ सरकार भी समय समय पे इस तरह की चीज़ें चलाती रहती है। हम भी बच्चों को बिना प्रोग्राम के भी विद्यालय में समय समय पर इन चीज़ों के ऊपर, कुपोषण के बारे में और पोषण आहार के ऊपर जागरूक करते रहते हैं, परंतु समय के अनुसार, समाज के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं और सरकार को भी उसके अकॉर्डिंगली निर्णय लेने पड़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य सबसे पहला बहुत जरूरी अंग है, और आप लोग यहाँ इंद्री से ही पत्रकार बंधुए जानते हैं जो एरिया है, यहाँ पे लोअर क्लास के, मध्यम तबके के ज़्यादा बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स, मैं आज ये तो नहीं कहूँगा कि आर्थिक रूप से शायद उतने कमज़ोर नहीं रहे हैं जितने की जागरूकता की कमी है। हम अक्सर यहाँ देखते हैं, अभी मैडम ने भी जैसा कहा कि सुबह बच्चे बिना खाए कुछ भी घर से आ जाते हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे इस करनाल जिले में या इंद्री में कोई इतना कोई पेरेंट्स को ऐसा होगा, कोई उड़ीसा का ये नहीं है कि यहाँ बच्चों के अगर खाना ना हो, सिर्फ पेरेंट्स की और बच्चों की एक जागरूकता की कमी है। और दूसरा भी इसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है, बच्चों की एक एज ऐसी होती है वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और बच्चे यहाँ पे ज़्यादा लड़कियाँ हैं, लड़कियों का स्कूल है, वो सुबह बिना खाए पिए घर से आ जाते हैं। और क्या होता है कि पैसे ले आते हैं 10 रुपए 20 रुपए, उनका आपको पता है फास्ट फूड में ये जो पैकेजिंग आता है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जो हानिकारक भी है वो एक बड़ी वजह रहती है। मैडम प्रिंसिपल ने जिक्र किया, हमारे टाइम में भी, पुराने टाइम में भी होता था, उस टाइम आज जैसे आर्थिक हालात नहीं थे पर फिर भी खाने के ऊपर, आहार के ऊपर ज़्यादा जोर रहता था। नहीं भी कुछ खाना बना के जाना आना या थोड़ी देर में रोटी आके खानी तो कहते थे कम से कम एक गिलास लस्सी का तो पी जाओ, एक बेला लस्सी का पी लिया। अब लस्सी एक ऐसा फूड न्यूट्रिशन है कि आप 2-4 घंटे बंदा खाना ना खाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के बच्चों में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है
कि जो ये पौष्टिक आहार है जिसमें खासतौर पर दूध से रिलेटेड चीजें हैं, लस्सी है, दूध है, वो ये बच्चे नहीं लेते हैं। और पेरेंट्स भी कह देते हैं क्या करें, आजकल एक ट्रेंड सा ऐसा हो गया है कि बच्चों को फोर्स नहीं करते किसी चीज के लिए भी, चाहे उनका भला हो, कहते हैं मान भी हम समझते हैं 10-20 रुपए, और वो 10-20 रुपए का जो है गलत असर बहुत पड़ रहा है। आज आप देखोगे ये रिपोर्ट आएगी, आज जैसा कि एसडीएम साहब ने सुबह पहली विजिट में ये बताया, वो कह रहे थे कि कई जगह 60% से ज्यादा तो ये रिपोर्ट आने की संभावना रहती रहती है, आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इसके खून की कमी के, एनीमिया के शिकार रहते हैं, और ये गर्ल्स और भी ज्यादा कई जगह 80% भी आ सकता है। तो मैं जहां तक उसका सबसे बड़ा कारण मानता हूं प्राध्यापक समाज शास्त्र होने की वजह से, कि आर्थिक कारण इसके पीछे इतने नहीं है जितने कि सामाजिक हैं। सामाजिक के तौर पर मैं ये कहूंगा कि जागरूकता की बहुत कमी है पेरेंट्स के अंदर, उनको ये नहीं पता है। मिड डे मील मिलता है, सर ने चेक भी किया, बहुत बढ़िया मिड डे मील है हमारे स्कूल में, नहीं सभी जगह बढ़िया बनता है, पर एक चीज तो मानो ना, सुबह 9 बजे स्कूल लगेगा, 8 बजे वो बनेगा, तो 12 बजे मिलेगा ना बच्चों को। अभी आप आए जिस टाइम सारा, उस टाइम हम मिड डे मील हमारा चल रहा था, जो बच्चा सुबह कुछ नहीं खा के आया, 10-12 साल का बच्चा है, तो क्या 12 बजे तक कुछ भूखा रहेगा? तो वही बात है, प्रेयर में उनको चक्कर आते हैं, क्लास में उनको प्रॉब्लम होती है, गर्मी का मौसम है। तो इन चीजों के लिए मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी और आपके चैनलों के माध्यम से भी जनता से ये पुरजोर अपील करना चाहूंगा कि जो बच्चों को, जो एक हमारे पुराने टाइम में बुजुर्ग कहते थे, जो पढ़ने वाला होता था उसको भी ज्यादा डाइट दी जाती थी, कहते ये बच्चा पढ़ता है, इसका दिमाग खर्च होता है, इसको घी दो, इसको दूध दो, इसको एक्स्ट्रा चीजें दो, बादाम दो। तो आज सिर्फ ये कि चलो कोई बात नहीं 10 रुपए ले जाना खाना, इस ट्रेंड से हमें समाज को जागरूक करने की ज्यादा जरूरत है। वैसे भी कृमि मुक्त के लिए हम मेंडाजोल की गोलियां स्कूल में देते रहे, विब्स की देते हैं समय समय पे, और हमारे यहाँ स्कूल के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा 2 स्किल के प्रोग्राम चल रहे हैं NSQF के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें एक PCA का है, पेशेंट केयर अटेंडेंट का कोर्स। उसमें हम देखते हैं कई बार बच्चे जाते हैं जब फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे जो अच्छे कुछ सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, वो उनको टॉनिक वगैरह भी दे के देते हैं, हम उनको अवेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो डोनेट करते हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को जिस भी तरह से हो सके इस जो पौष्टिक आहार के देके उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है आज यहाँ से, इसके भी बेहतर परिणाम जरूर मिलेंगे। और अगर इसका आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, इस बात को पूरी एक मुहिम बना दें समाज के अंदर, ताकि इस चीज़ का फायदा मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद। चलो अभी एक ही रहेगी।